गाइस वेलकम टू डे टू ऑफ द वीलॉग। आज हम लोगों का है ट्रैवल डे क्योंकि हम लोगों ने जाना है वापस टूवर्ड्स दिल्ली। अभी मैं जा रहा हूँ कटरा मार्केट की ओर, वहां से करूंगा प्रसाद की थोड़ी बहुत शॉपिंग और छोटी मोटी चीजें थोड़ी और लेंगे। उसके बाद आपको मार्केट का ओवरव्यू दूंगा और फाइनली हम लोग चलेंगे ट्रेन स्टेशन की ओर अराउंड 2 PM, जो कि मेरी ट्रेन है 3 बजे की। अपडेट और था जो मुझे मॉर्निंग में ही पता चला, मेरी ट्रेन जो थी वो थी ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि चलती है कटरा से दिल्ली अराउंड 3 बजे के आसपास। वो ट्रेन अब चेंज करके कर दी गई है तेजस एक्सप्रेस। ट्रेन सेम है, ट्रेन नंबर सेम है, बट उसमें जो ट्रेन में कोचेस लगाए गए हैं जो मुझे बताया गया है वो हो गए हैं तेजस के, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज ऑफ ट्रेन 18 इन ट्रेन 18 कोच। तो ये चेंज की इन्फॉर्मेशन इंडियन रेलवे ने मुझे मॉर्निंग में ही दे दी थी। मच 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 बेटर देन एयर इंडिया, जो 15 मिनट पहले अपने पैसेंजर्स को बताते हैं कि फ्लाइट डिले हो गई है। तो रियली अप्रिशिएट IRCTC ऑन दिस कि उन्होंने इस चेंज के बारे में हमें डिटेल में मैसेज भेजा, इन्फॉर्मेशन दी, और ऑनलाइन भी उनके सारे सिस्टम्स पे ये चेंज दिखा रहा है। ट्रेन टाइम पे है बट ट्रेन के कोचेस ट्रेन 18 से चेंज होके अब ये हो गए हैं तेजस एक्सप्रेस के, राइट। तो चलिए कोई नहीं, तेजस एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड ट्रेन, उसकी भी मैं आपको जर्नी दिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेन है उसकी। अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ने फूड ब्रेकफास्ट जो है वो डन कर दिया है। ब्रेकफास्ट काफी अच्छा है इस होटल का, इंपीरियल होटल का। आपको फुली रेकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते हैं। हमने कुछ टोस्ट मंगाए थे और साथ में पराठे मंगाए थे पनीर के आलू के। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फूड वॉज गुड, प्रेजेंटेशन वॉज गुड। दही के साथ खा के आपको मजा आ जाएगा उनको। तो डेफिनेटली यहाँ स्टे करें तो आप यहाँ आके इसी पे ऑर्डर करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कल रात वाले ढाबे पे थोड़ा सा खाना की क्वालिटी इससे बेटर नहीं थी। तो इम्पीरियल होटल इज गुड, आप यहाँ पे फूड ट्राई करें और यहीं से फूड आया ब्रेकफास्ट वगैरह करें। हम लोग जा रहे हैं कटरा मार्केट की ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आप उस होटल में स्टे करेंगे तो वहां से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर के अंदर आप पहुंच जाएंगे कटरा मार्केट, जो मेन बस स्टैंड से स्टार्ट होती है। और वहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो बेसिकली जो यहाँ की मार्केट है वो फेमस है अखरोट के लिए, जो कि आप प्रसाद के तौर पे लेते हैं। तो वो आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे लेने के लिए। प्लस गॉड्स के आइडल भी वहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं जो आप मिल सकते हैं, जो एज अ सोविनियर आप दे सकते हैं या किसी एज अ गिफ्ट आप अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो काफी ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर, बट स्पेशली मार्केट जो फेमस है वो है अखरोट के लिए। तो मैं आज बाय करने वाला हूँ अखरोट। शॉप आपको बताऊंगा कि कौन सी शॉप से आप बाय कर सकते हैं अखरोट, जहाँ की लास्ट टाइम भी मैंने बाय करे थे और काफी अच्छे प्रोडक्ट था वो। तो उस दुकान के बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। आपने जो व्यू देखा वो व्यू था कटरा बस स्टैंड का। कटरा बस स्टैंड में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से पूरी मार्केट स्टार्ट होती है और पर्टिकुलरली यहीं पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रूम्स की अवेलेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी और साथ में ही आपकी शॉपिंग जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं आपको मेन गली में ले जाता हूँ कि जो मेन गली है, जो आप मेरे, अगर मैं घूमूंगा थोड़ा सा तो आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये गली के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे कुछ बाय करने के ट्राई करते हैं। और मैं आपको शॉप की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि इन केस अगर आप आए, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड शॉप है, तो उसके अंदर आप आके बाय कर सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी।
जो मेरे आप पीछे शॉप देख रहे हैं मनोज ड्राई फ्रूट्स के नाम से है, यही वो शॉप है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यहाँ से काफी सारी शॉपिंग करी थी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वॉज एक्सीलेंट। आपको अखरोट की क्वालिटी, डिफरेंट प्रसाद की क्वालिटी सारी एकदम जबरदस्त मिल जाएगी, तो ऑप्शंस काफी अवेलेबल हैं। सबसे स्पेशल बात इस पर्टिकुलर शॉप की ये है कि ये शॉप आपको डिलीवरी भी करती है आपकी पर्टिकुलर स्टेट में। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं दिल्ली के अंदर यहाँ से अखरोट मंगवाना चाहूँ तो वो भी यहाँ से ये लोग सेंड करते हैं। पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और वहाँ से कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। बट पर्टिकुलरली अगर मैं अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अंदर और खरीदने वाला हूँ कुछ अखरोट। तोड़ने वाला अखरोट दे रहा हूँ आपको, अब इसकी जो क्वालिटी है ये पूरी साबुत गिरी निकलेगी। ये देखो गाइस, मैंने अभी यहाँ पे अखरोट बादाम टेस्ट करे हैं एंड बिलीव मी कितना अच्छा क्वालिटी, कितना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता दिल्ली के अंदर। उन्होंने भैया ने मेरे को भी उसको क्रश करके दिखाया बादाम को, उसके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट पूरा निकल रहा है। अगर आप डेयरी वाले अखरोट या बाहर से कहीं अखरोट लेते हैं या बादाम लेते हैं उनको पेपर पे रख के क्रश करेंगे तो उसमें से ऑयल नहीं निकलेगा क्योंकि वो एक्सट्रैक्टेड होते हैं ऑलरेडी। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इन्होंने मेरे को अभी दिखाया है उसके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है मेरे आंखों के सामने और मैंने टेस्ट करा है, वो टेस्ट काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट आपको दिल्ली में मिलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से जरूर 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 शॉपिंग करके जाएं, अखरोट लेके जाएं, प्रसाद लेके जाएं, बादाम लेके जाएं, केसर की भी क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे काफी। तो ये ऑप्शंस आपको सारे यहाँ मिलेंगे अंडर द वन रूफ और यहाँ आके आप आराम से अपनी जो भी प्रसाद की रिक्वायरमेंट है या जो भी आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ बांटना चाहते हैं वो चीजें ले सकते हैं, निश्चिंत होकर ले सकते हैं। प्रसाद की शॉपिंग हो गई है डन, जैसे कि मैंने आपको शॉप का नाम बताया था मनोज ड्राई फ्रूट्स के नाम से शॉप है, काफी रीजनेबल शॉप है। अगर मैं आपको रेट्स की बात करूं जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं उसमें 480 रुपीज पर केजी यानी 480 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको मिल रहे हैं अखरोट। और अगर आप बादाम जाएंगे गिरी वाला बादाम लेने जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है तो वो आपको मिल रहा था अराउंड 520 रुपए पर किलो, तो काफी रीजनेबल रेट है। ओवरऑल बाद में डिस्काउंट भी हो जाता है, जो भी आपका फाइनल प्राइस है उसके ऊपर वो लोग डिस्काउंट करके भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो काफी अच्छी चीज है, काफी बढ़िया है, रेकमेंडेड शॉप है मेरी तरफ से, अपनी शॉपिंग कीजिए पूरी। मैं तो अपनी तरफ से शॉपिंग करके आ चुका हूँ, अपनी 3-4 बैग्स हैं जिसमें से एक मैंने पकड़ रखा है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टेशन नाउ क्योंकि ऑलरेडी टाइम 1:30 हो गया और मेरी ट्रेन 3 बजे की है, मुझे होटल जाके सामान दोबारा उठाना है और उसके बाद फिर भागना है टूवर्ड्स स्टेशन क्योंकि ट्रेन नहीं मिस होनी चाहिए। एक बेसिकली एक चाट स्ट्रीट करके एरिया है जहां पे सारे चाट वाले आपको चाइनीज फूड इवन ओनियन इंक्लूसिव फूड भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम शॉप्स के ऊपर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, बट चाट स्ट्रीट वाले काउंटर के अंदर आपको प्याज के साथ भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग अब भाग रहे हैं स्टेशन की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा टाइम शॉर्ट हो गया है, टाइम अभी हो रहा है 2:25 और मेरी ट्रेन है 3 बजे की। तो हमने कुछ लोग स्कूटर में बिठा रखे हैं
और कुछ लोग हम लोग पैदल, मैं और मेरा भाई पैदल वॉक कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ में पहुंच जाए। तो लेट अस सी भागते हुए कैसा लगता हूं मैं अब तो भागना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं स्टेशन पे। यहाँ पे स्टेशन पे बहुत बुरी हालत है, ट्रेन आई हुई भी है, कुछ लोग जा रहे हैं, वो वाली ट्रेन भी है, तो सिक्योरिटी एकदम मैस हो रखा है, एकदम मैस। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जेएनके पुलिस से कि थोड़ा सा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाएं, इन टर्म्स ऑफ की जो लोग यहाँ से पास कर रहे हैं वो कंफर्टेबली यहाँ से पास कर पाए। इतना इतना क्योस सिचुएशन था दोस्तों कि मेरा बैग भी एक निकल गया था, अलग चला गया था, वो वापिस मेरे पास आया। तो दिस इज नॉट हैपनिंग। आप लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं रेलवे को इम्प्रूव करने का और सिक्योरिटी चेक इन गेट्स के ऊपर आप लोग इस तरीके से पैसेंजर्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेन का नाम लिखा है वंदे भारत एक्सप्रेस, बट एक्चुअल में जो ट्रेन है वो है तेजस एक्सप्रेस, जो मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में मेरे को मैसेज रिसीव हुआ था फ्रॉम IRCTC जिसमें बताया गया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो अब बन के चलेगी तेजस एक्सप्रेस आज पर्टिकुलर डे के लिए, नॉट कम्प्लीटली। तो आज के लिए वंदे भारत मीन्स तेजस एक्सप्रेस। तेजस भी काफी रिनोन्ड ट्रेन है, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी ट्रेनों से, राजधानी एंड शताब्दी के कंपैरिजन में ट्रेन आती है। मैंने एक बार तेजस में सफर कर रखा है फ्रॉम मुंबई टू गोवा, जिसमें काफी आरामदायक सफर था। अभी फिलहाल ट्रेन के दरवाजे बंद हैं क्योंकि अभी टाइम है 20 मिनट्स में, अनफॉर्चुनेटली 20 मिनट पहले पहुंच चुका हूं। तो लेट्स होप जैसे दरवाजे खुलते हैं मैं सीट पे जाता हूं, अंदर का व्यू देता हूं कि आपको मैं इस ट्रेन में क्या स्पेशल है। ऑल दो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं वंदे भारत एक्सप्रेस में जाऊँ, मैं फर्स्ट टाइम था मेरा वंदे भारत एक्सप्रेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल तेजस इज ओके, गुड कंपनसेशन बाई IRCTC कि आप अगर वंदे भारत नहीं दे पा रहे लोगों को तो तेजस एक्सप्रेस। तो चलिए लाइन लग रही है मेरे प्लेटफॉर्म के बाहर, वहां पे मैं जाता हूँ और अपने दरवाजे से घुसता हूँ इस ट्रेन के अंदर और आपको अंदर का व्यू देता हूँ। टॉयलेट की बात करूँ तो काफी क्लीन टॉयलेट्स हैं एज कम्पेयर टू दूसरी ट्रेन जो है हमारे इंडिया के अंदर, काफी नीट एंड क्लीन सिस्टम है, पानी भी आपको पूरा अवेलेबल मिलेगा, फ्लश सिस्टम इज ऑल्सो क्वाइट गुड वर्किंग, दो फ्लश सिस्टम ये रखे हैं और पानी के लिए और नॉर्मल एयर फ्रेशन के लिए। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग भी बोल रही हूँ तो काफी अच्छी है उस ट्रेन से, जिस ट्रेन में एक्सप्रेस से, इट्स क्वाइट गुड ट्रेन, नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स, फुल रिकमेंडेशन, गुड थिंग टू IRCTC। बस थोड़ा मेंटेनेंस पॉइंट है, उससे जो स्पॉट्स वगैरह बने हुए हैं वो आप थोड़ा और क्लीन कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। ये ऑप्शन थे जो कि अभी मैं खाने में मिले, जो मैंने आपको दिखाए थे, एक एम्प्टी ड्रिंक इन्होंने दिया है अलॉन्ग विथ सैंडविच। तो खाना खाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि खाना किस तरीके से, उसका रिव्यू मैं आपको देता हूँ। बाहर के व्यूज काफ़ी अच्छे हैं। ये चाय उसकी जो चाय है, चाय उसकी टी इज अ न्यू एडिशन टू दिस मेन्यू,
सो लेट्स होप कि ये अच्छा सो लेट्स होप कि अच्छी हो, साक्षी के मुताबिक अच्छी है। लेट अस ट्राई, उसके बाद मैं आपको रिव्यू से दिखा देंगे कि खाना किस तरीके से कैसा है। फूड हमने कर लिया है डन। फूड का अगर मैं रेटिंग बोलूँ तो काफी अच्छा फूड था, सैंडविच वाज क्वाइट गुड। उसके साथ आपको स्नैक्स के अंदर क्या मिली थी साक्षी, जो आपने दो खाई थी? कचौड़ी खाई थी, कचौड़ी काफी अच्छी थी। और ये मैंने ना सेव कर लिया है, ये आप बाद में खाने वाले तो ये हमारी आदत कभी नहीं जाने वाली, सामान उठा के रख लो, बाद में काम आए ना आए, बट हम सामान उठाएंगे। तो ओवरऑल फूड क्वालिटी वाज गुड, आई विल गिव 8 out of 10, काफी अच्छी क्वालिटी है। पर्टिकुलरली फॉर वंदे भारत फूड की काफी तारीफ हुई थी, बीच में आए थे ब्लॉग्स के अंदर, फूड के अंदर कुछ कंसर्न आ रहे हैं, बट ओवरऑल अभी तक ऐसे कोई इशू नोटिस नहीं है। सर्विस इज ऑल्सो गुड, काफी सपोर्टिव स्टाफ है। तो नेक्स्ट रिव्यू आएगा डिनर, जब मेरे पास डिनर आएगा तो आई विल टेल यू कि डिनर्स में क्या स्पेशल है, क्या आज का मेन्यू रहेगा इनका डिनर का। भारत के लिए डिफरेंट फूड है, डिफरेंट फूड सेगमेंट है, तो काफी अच्छा सेगमेंट है आईआरसीटीसी को। फुल पॉइंट्स रेटिंग मेरी 8 out of 10, काफी मेरे को भूख भी लग रही थी, काफी अच्छा लगा मुझे खाना। तो खाने की कोई टेंशन मत लीजिए, काफी जो भी नेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन चल रही है कि खाने में ये मिला, थोड़ा बहुत इतना लंबा सप्लाई चेन नेटवर्क है, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती है, बट ओवरऑल फूड में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वीट डिश एंड फूड इज वेरी गुड ऑन वंदे भारत एक्सप्रेस। ये थी हमारी ट्रिप, बेसिकली अब हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी ट्रिप को। फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर। तो काफी मजा आया, आप लोगों को भी मजा आया होगा इसको ब्लॉग को देख के। पहले भी मैंने काफी कोशिश करी थी कि मैं वैष्णो माता का ब्लॉग बनाऊँ, बट मैं बना नहीं पाया था, बट इस बार दर्शन होने के बाद हमने स्पेसिफिकली मैंने ये ब्लॉग बनाया। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा या मेरा कोई भी और ब्लॉग अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर्टिकुलर वीडियोस को लाइक कीजिए और फर्दर शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ताकि हम इसी तरह मोटिवेटेड रहें और आगे आपको नए नए चीज़ें दिखाते रहें। तो इसी के साथ मैं ये ट्रिप या वीलॉग को कंक्लूड करता हूँ। जय माता दी, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।